की हेडलाइंस पर। एसपी के निर्देश में रेत का अवैध परिवहन करने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई। जंगलों में सैकड़ों की तादाद में काटे जा रहे पेड़। बारिश से पहले एसडीएम ने किया नगर की नालियों का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ के निर्देश पर छतरपुर नगर में अवैध रेत परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई, जिससे बालू माफियाओं में अफरा तफरी देखी जा रही है। अवैध रेत से भरे 7 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई, जिन्हें यातायात थाने में रखा गया है। जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ाने के लिए रेत माफिया अपनी अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। नगर के एक भाजपा नेता अधिकारियों पर जब्त ट्रैक्टरों को छोड़ने का लगातार दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई होती है या फिर लेन देन से सब गोलमाल हो जाएगा। कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस पर सभी पंचायतों में वृक्ष लगाए जा रहे थे, मगर कुछ जगह ऐसी भी है जहां वन विभाग की लापरवाही के चलते सैकड़ों की तादाद में पेड़ काट कर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार एवं प्रशासन वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बैठपुर में स्थित जंगलों में सैकड़ों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं एवं जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। वहीं पंचायत निवासी दीपेश घोष ने बताया, ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा जंगलों को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के नाम एक पत्र भेजा और इस मामले की जांच कराए जाने की मांग जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से की है। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बैठपुर। क्या हो रहा है आपके यहाँ? यहाँ सब जंगल कट रहा था। आदिवासी आदिवासी जंगल काट रहे हैं। वन विभाग वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? हम सब कभी नहीं आते हैं, छूट दें। वन विभाग वाले पूरी छूट दिए हैं कि काट लो पेड़? काट लो, यहाँ पेड़ लगने की संभावना था, वहाँ भी कटवा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपेश। कहाँ के रहने वाले हो? बैतपुर, ग्राम पंचायत बैतपुर के रहने वाले हैं। बैतपुर में क्या हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं वन विभाग की लापरवाही से। कौन काटता है पेड़? आदिवासी काटते हैं। नाम पता है उनके? नाम पता है, एक का नाम है तलई आदिवासी और दो चार लोग हैं अन्य। दग्गा। तो वन विभाग की लापरवाही के चलते काटे जा रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही है, जहाँ पेड़ लगते हैं वहाँ कटाई हो रही है वन विभाग की लापरवाही से। जहाँ सरकार कह रही है कि हम देश में पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, सब काट रहे हैं। काट रहे हैं, जंगल काटा जा रहा है पूरा। जिले के जतारा में एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनबड़े नगर परिषद के कर्मचारियों की लापरवाही देखने स्वयं ही नगर के बाढ़ों में स्थित जाम नालियों के एवं साफ सफाई का निरीक्षण करने निकल पड़े। वहीं एसडीएम ने लोगों को मास्क न लगाने पर और दुकानों के सामने कचरा पाए जाने पर जुर्माना कार्रवाई भी की। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान नगर के वार्ड नंबर 13 एवं मुख्य नालियों से लेकर साफ सफाई एवं नालियों में गंदगी पाए जाने पर नगर परिषद के कर्मचारियों को समझाइश देते हुए कहा कि नगर में साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनबड़े के साथ नगर परिषद सीएमओ हरि मोहन चौबे सहित नगर परिषद कर्मचारी एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कोरोना वायरस के साथ अब बारिश का मौसम भी आ रहा है, ऐसे में नगर में साफ सफाई बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रशासन ने पहले ही कमर कसकर नगर का दौरा कर साफ सफाई देखी। आपने क्या किया इसमें?